Hello, my dear students. As we know, we have completed the lesson 3.1 called A Smile. And also yesterday we did understand the self-made and the books exercise questions. So today we will revise these questions for your tomorrow's lesson test. तो जैसे कि हम सभी को मालूम है हमने 3.1 lesson A Smile complete कर लिए हैं और कल हमने question answer भी समझ लिए. ठीक है, तो आज आपको preparation करना है. ठीक है, ठीक है, आपको आज तैयारी करनी है कल के test के लिए. यानी कि कल आपका लेसन टेस्ट होगा, लेसन 3.1 का टेस्ट होगा. ठीक है, और सबसे पहली बात, आपको टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, टेस्ट यानी कि ये किसका टेस्ट है, ये आपका टेस्ट हो रहा है. ठीक है, आपके लिए ही है, आपका टेस्ट हो रहा है. ठीक है, आप कितने पढ़े हो, कितने समझे हो, टेस्ट में ही पता चलेगा. ठीक है, टेस्ट में कितने मार्क्स लाते हो, कैसे लिखते हो, उसी से मालूम पड़ेगा कि आप कितना इम्प्रूव हुए हो. ठीक है, ठीक है, टेस्ट और आपको भी खुद भी पता चलेगा कि आपको कितना आता है. ठीक है, तो टेस्ट देना चाहिए हमेशा. ठीक है, तो कल आपका टेस्ट है, टेस्ट आपको कल देना है. ठीक है, टेस्ट देने के बाद मार्क्स के हिसाब से पता चलेगा कि आप कितने कितने आप जानते हो. ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको आगे की तैयारी करनी है. जैसे कि आप टेस्ट दिए हो, ठीक है, इसके बाद कितना मार्क्स मिला, कम मिला है, तो किस में गलती हुई, क्या हुई, आपने याद करने में गलती किया, ठीक है, या आपने पढ़ा नहीं है, उसी में आपको मालूम पड़ जाए. और आप कितने कमज़ोर हो दूसरे बच्चों से, दूसरे बच्चों का मार्क्स कितना है, तुम्हारा कितना है, ठीक है, आपका कितना है, वो आपको कंपेरिजन करना है और अपने आपको सुधारते आगे ले जाना है. ठीक है, सुधारना है और अगली बार अच्छे से मार्क्स लाएंगे, ऐसा सोच के हमको आप लोगों को टेस्ट देना है. ओके, तो कल आपका टेस्ट है, तो टेस्ट में जैसे कि ये सेल्फ वर्ड मीनिंग है ये 3.1 का, तो वर्ड मीनिंग तो मैं आपसे सुन ही लेता हूँ, तो इसीलिए मैं आपको टेस्ट पर नहीं दूंगा. ठीक है, तो बचा आपका सेल्फ मेड क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन. तो ठीक है, तो सेल्फ मेड और एक्सरसाइज क्वेश्चन में से आपको पांच ही क्वेश्चन देंगे. तो ये दोनों का मिला के कितना है, टोटल 9 क्वेश्चन है यहाँ पे. ठीक है, 9 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन आपको देंगे. ठीक है, तो कौन सा आएगा वो आपको कल ही मालूम पड़ेगा. ठीक है, तो कल आपका लेसन टेस्ट होगा, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है अपने आपको. ठीक है, और हमेशा ये जब पढ़ते समय प्रोनाउंसिएशन का ध्यान देना है. आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हो, आधा देख के भाग जाते हो, बंद कर देते हो, बोलते हो समझ में आ गया, और जब वीडियो बनाते हो तो गलत बोलते हो, उच्चारण गलत बोलते हो, काफ़ी गलत बोलते हो और बार बार गलत बोलते हो. ठीक है, बार बार मैं एक एक वर्ड को पढ़ा के पर कैसे पढ़ते हैं, जब हम लोग वीडियो पे टीचर्स वीडियो पे पढ़ के सुनाते हैं आपको, तो उसी से आपको सीख जाना चाहिए कि कैसे उसे बोले, उसका उच्चारण कैसे करें. ठीक है, और एग्ज़ाम के लिए खास बात है आपका स्पेलिंग. ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब भी आप टेस्ट देती हैं तो आपका मिस्टेक्स बताते हैं ना टीचर, तो क्या मिस्टेक्स होता है, सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होता है स्पेलिंग में. ठीक है, स्पेलिंग में आपका मिस्टेक होता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको स्पेलिंग पे ध्यान देना. ठीक है, एक भी स्पेलिंग इतना याद करें कि एक भी स्पेलिंग आपको गलत ना हो, आपका गलत ना हो. ठीक है, तो अब बस आपको ये आज बस पढ़ना है आपको. ठीक है, कल मैंने बोला था कि आपको 3 क्वेश्चंस को याद करके वीडियो पे मुझे सुनाकर भेजना. ठीक है, ये आपके लिए बोलते हैं. ठीक है, और इतना तो याद करना चाहिए, बहुत लोग बोलते हैं तो अटक अटक के बोलते हैं. ठीक है, या रुक रुक के बोलते हैं. ठीक है, इतना अगर जिसको अच्छे से याद हो जाता है वो ना ही रुकता है. ठीक है, एकदम फ्लोली बोलता है, एकदम आराम से बोलता है, एकदम क्लियरली बोलना चाहिए. ठीक है, तो तुम आप जब अटक अटक के बोल रहे हो, इसका मतलब आपको अच्छे से याद नहीं हुआ है. ठीक है, तो एकदम अच्छे से बोलना, अच्छे से याद करना. ठीक है, कल के लिए तो आज बस ये वीडियो इसीलिए बनाया कि आपको बताने के लिए कि कल आपका लेसन टेस्ट होगा और आपको घर पे अच्छे से तैयारी करनी है. ओके, तो आज के लिए इतना ही. सो थैंक यू ऑल, बी प्रिपेयर्ड फॉर योर टुमारोज़ लेसन टेस्ट एंड टेक केयर.